हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम होली स्पेशल गुजिया बनाएंगे। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप गेहूं के आटे को एक कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे हम इसे बिना घी और तेल के रोस्ट करेंगे। इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। देखिए, ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई को हम एक कपड़े से साफ कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 250 ग्राम खोया डालेंगे। और इसको भी रोस्ट कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक रोस्ट करेंगे। देखिए, खोया कढ़ाई छोड़ने लगा है। इसका मतलब ये तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक खोया ठंडा हो रहा है, तब तक हम गुजिया के लिए डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक परात लेंगे और इसमें 1.5 कप मैदा, 4 से 5 चम्मच तेल डालकर दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ये अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। डो को हम हल्का सॉफ्ट ही गूंथेंगे। अब इसे एक कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। डो तो बन गया है। अब हम फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए एक बाउल लेंगे और उसमें रोस्ट किया हुआ खोया, रोस्ट किया हुआ आटा थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल, कुछ कटे हुए बादाम, थोड़ी सी किशमिश, एक चम्मच इलायची पाउडर और 1 कप पिसी हुई चीनी डालकर सभी को मिला लेंगे। खोया है जिसकी वजह से ये चम्मच से अच्छे से नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम इसको हाथों से ही मिला लेंगे।
ध्यान रहे हम आटा खोए से कम ही लेंगे और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। फिलिंग भी तैयार है, अब हम गुजिया बनाएंगे। डो को एक बार गूंथ लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। अब इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और तेल को हल्की गैस पर गरम होने देंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम गुजिया बना लेते हैं। इसके लिए एक लोई लेंगे और उसको बेल लेंगे। अब इसको इस तरीके से हाथों पर रख कर एक साइड से हल्का सा पानी लगाएंगे। और फिलिंग को बीच में भर कर इसको एक साइड से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड को अच्छे से चिपका लेंगे। अब इसे इस तरीके से गुजिया की शेप दे देंगे। लास्ट में थोड़ी सी लोई हटा देंगे। देखिए गुजिया बन गई है। अब इसको कपड़े से ढककर रख देंगे। हम इसको ढककर इसलिए रख रहे हैं ताकि इसमें कोई हवा ना लगे। अब इसी तरीके से बाकी गुजिया भी बना लेंगे और सबको ढककर रखते जाएंगे। एक और बार देख लीजिए कि गुजिया को कैसे शेप देनी है। अगर आप इसे गुजिया की शेप ना दे पाए तो आप सांचे का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ दो तरीके से गुजिया बनाई है।
एक हाथों से और एक सांचे से। अगर आप हाथों से गुजिया बनाना चाहते हैं तो आप बिना फिलिंग भरे सिंपल लोई पर ट्राई कर सकते हैं और फिर फिलिंग भरकर इसे अच्छे से गुजिया की शेप दे सकते हैं। देखिए, इस तरीके से सिंपल लोई बेलकर उसे दोनों साइड से चिपकाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप सांचे का भी यूज कर सकते हैं। सारी गुजिया बन चुकी हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। इसके लिए एक छोटी सी लोई डालेंगे। देखिए, लोई ऊपर आ गई है, इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके गुजिया को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे, हम गुजिया को ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे। गुजिया बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे होली के ओकेजन पर एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे 10 दिन के लिए कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।